एवरीबडी, वेलकम टू जैनित गुरु। आज हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमने पहले वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। फिर हमने देखा था फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में, हमने ये पढ़ा था कि मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, वन वोट वन वैल्यू होता है, रूल ऑफ लॉ होता है और सिटीजन्स राइट्स होते हैं। तो ये हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में कवर किया था। और आज हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या चीज़ें आर्ग्यूमेंट्स हैं, या हम देखेंगे इसको डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं हम इसको। तो हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि लीडर कीप्स चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। यानी लीडर्स का बार बार चेंज होना, यानी हमारे जैसे इंडिया में 5 ईयर्स में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें लीडर्स बार बार चेंज होते हैं। तो इस चेंज का इन्होंने ये कहा कि इससे क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आ जाती है बार बार चेंजिंग होने की वजह से। इसने सेकेंड आर्ग्यूमेंट ये कहा कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देर इज़ नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। यानी डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए है, यानी एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है जिनमें उनको पावर चाहिए होता है। यानी पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए जो कॉम्पिटिशन है, या कई बार ये जो कॉम्पिटिशन है ये अनफेयर मीन से भी हो जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने इसके आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में ये कहा कि डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है, वहाँ पर मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं है। थर्ड आर्ग्यूमेंट हमारा ये है, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी दैट इट्स लीड्स टू डिलेस। यानी उनका ये कहना है कि जो डिस्कशन होता है या कंसल्टेशन होता है जो ग्रुप के अंदर, उससे क्या होता है, डिसीजन के अंदर डिले आता है, यानी क्विक डिसीजन नहीं आ पाता है, बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसके लिए डेमोक्रेसी में, अगेंस्ट डेमोक्रेसी में ये कहा है कि जो बहुत सारे पीपल एक साथ डिस्कस करते हैं, इससे हमारा डिले होता है डिसीजन में, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। फोर्थ हमारा ये है कि इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। यानी उनका कहना ये है कि जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो इंटरेस्ट ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते काम, क्योंकि उनका मानना ये है कि कई बार उनके डिसीजंस मेड बैड भी हो सकते हैं, यानी ख़राब डिसीजन भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है या पीपल जो उनकी विल है वो कहाँ है। फिफ्थ हमारा ये कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। यानी डेमोक्रेसी क्या करता है, करप्शन को लीड करता है, यानी इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, यानी जो इलेक्शन में कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें अनफेयर मीन्स का यूज़ करना, उसके अंदर मनी पावर का यूज़ करना, उसको पूरी डेमोक्रेटिकली नहीं इलेक्ट किया जाता। तो उसमें जब वो पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए जो कॉम्पिटिशन करते हैं उसमें बहुत अनफेयर मीन्स के वे यूज़ करते हैं, वो माल प्रैक्टिसेस करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी है वो करप्शन भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम दी जाती है। हमारे पास सिक्स आर्ग्यूमेंट ये कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ऑर्डिनरी मतलब जो कि सिंपल लोग हैं, जो जिन्हें नहीं पता होता कि उनके लिए क्या अच्छा होता है क्या नहीं अच्छा होता, तो वो लोग कुछ भी अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाते। जैसे कि अगर हम देखें कि कुछ लोग होते हैं वो किसी के नाम पर वोट देते हैं या किसी के जो आइडियोलॉजी पे वोट देते, लेकिन हम उस चीज़ों को, उनके मैनिफेस्टो वगैरह, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मैनिफेस्टो होते हैं उनको हम रीड नहीं करते कभी भी। हम डायरेक्टली या तो किसी के इन्फ्लुएंस होके हम उनको वोट दे देते हैं या किसी के नाम पे वोट दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में क्या आएगा, मतलब मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है वो अच्छी क्यों हो सकती है और क्या रीजंस है इसके पीछे। तो फर्स्ट वन इज़ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए होती है क्योंकि ये अकाउंटेबल होती है टूअर्ड्स द सिटीजन्स। जैसे कि हम देखते हैं कि चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं कि चाइना में एक फेमाइन आया था 1958 से लेकर 61 के बीच में, वो बहुत वास्ट फेमाइन था ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वहाँ पे जो चाइना की गवर्नमेंट थी उन्होंने लोगों के इंटरेस्ट के बारे में इतना नहीं सोचा। लेकिन अगर हम उसी तरफ देखें कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी अगर वहाँ पे स्कार्सिटी आती है, डेमोक्रेटिक जहाँ पे कंट्री में अगर स्कार्सिटी आती है फूड की, तो लोगों, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के बारे में सोचती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इंडिया का, इंडिया में जब COVID-19 पैंडमिक आया था तब जिस तरीके से गवर्नमेंट ने, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से उसको हैंडल किया था, लोगों को फूड प्रोवाइड किया था, स्कार्सिटी नहीं होने दी थी चीज़ों की, बहुत मतलब मैनेज करके रखा था अच्छे से चीज़ों को,
नेशनलिज्म की फीलिंग हमें वहाँ देखने को मिलती है, तो वो सब हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देख सकते हैं हम। सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमारा ये आता है कि थस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी अगर हम देखें तो डिस्कशन बार बार अगर डिस्कशन होता है, कंसेंट लेते हैं हम लोगों का, तो इससे क्या होता है, डिस्कस करने से एक बेटर डिसीजन पे आ सकते हैं हम। एक बार सोचते हैं तो क्या पता, जैसे कि अगर हम एक क्विक डिसीजन है तो क्या पता वो चीज़ें गलत भी हो सकती है, लेकिन हम उस चीज़ को अगर अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, कंसल्ट करके उसके कंसल्टेशन करें, डिस्कशन करेंगे, तो हमारा डिसीजन अच्छा निकल सकता है। अगर डिसीजन अगर ख़राब या गलत भी हो जाए तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसको सुधारती भी है, अपने मिस्टेक को सही भी वो करती है। थर्ड आर्ग्यूमेंट हमारा ये है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी जैसे हम देखते हैं कि इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है, यानी बहुत सारे डिफरेंट रिलीजियन, कास्ट, लैंग्वेज बेसिस पे हमारे जो इंडिया बहुत सारे स्टेट बने हुए हैं, कि वहाँ पे हमारे इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटीज़ है जिन कोई अलग लैंग्वेज बोलता है, किसी का रिलीजन अलग है, किसी का कास्ट अलग है, तो जिस तरीके से इंडिया एक यूनाइट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, जिस तरीके से इन्होंने डिफरेंसेस को और कॉन्फ्लिक्ट को जो मैनेज करके रख रखा है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पॉसिबल है। फोर्थ आर्ग्यूमेंट हमारा आता है कि डेमोक्रेसी इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, यानी ये डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट के लिए क्या करता है, डेमोक्रेसी वो है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए क्या कर सकती है, यानी लोगों के लिए सोचना डेमोक्रेसी का काम होता है, यानी डेमोक्रेसी जो है वो इंडिविजुअल सेंट्रिक है या सिटीजन सेंट्रिक बोल सकते हैं हम इसको। डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट ओन्स मिस्टेक, यानी जो डेमोक्रेसी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर डिसीजन मेकिंग में अगर कोई बहुत प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर अगर एक बैड डिसीजन भी हो जाता है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसको सही करने की कोशिश करती है, यानी हम देखते हैं कि इट अलाउज टू करेक्ट दिस ओन मिस्टेक, यानी वो खुद के मिस्टेक को करेक्ट करने की ट्राई करती है, जैसे कि वो अपने मिस्टेक पे पर्दा नहीं डालती कि हाँ ये हो गया है तो अब उसको हटा दिया, उसके बारे में नहीं सोचते आगे, अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये सब नहीं होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो अपने मिस्टेक को सही करती है, लेकिन अगर अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम देखेंगे, जैसे डिक्टेटरशिप हो गया, किंग्स हो गया, उसको कोई मतलब नहीं है कि लोगों को अकाउंटेबल होना है, कि आंसरेबल होना है, कि एक्शन के लिए नहीं होना, लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके अंदर वो अकाउंटेबल होती है, और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी भी होती है, लेकिन अगर हम डिक्टेटरशिप या अदर अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखें तो वहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी हमें नहीं दिखाई देती है, ना वहाँ पे हम सिटीजन्स के बारे में देख सकते हैं कि सिटीजन्स के लिए कोई इंटरेस्ट या उनके अकॉर्डिंग जो उनके कंसेंट लेके जो डिसीजन बनाए जाते हैं वो भी हम नहीं देखते हैं। जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पीपल है वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव, यानी जब वो वोटिंग, जब इलेक्शन होता है तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, वो अब उनके बिहाफ में डिसीजन लेते हैं, यानी हम ये बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चलता है, यानी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज़ करते हैं फ्री और फेयर वे में, और हमें एक फ्रीडम मिलता है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी अपने जैसे जिसे हमें चूज़ करना है हम उनको वोट दे सकते हैं और उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, और वो हमारे बिहाफ में क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। थैंक यू सो मच।